नमस्कार, मैं हूं क्राम सोलंकी। आप देख रहे हैं निमाड़ का दबंग न्यूज। वन विभाग के पकड़ से बाहर लकड़बगे फिर हमला किया। खेतिया के समीप ग्राम टेमला में फिर एक बार लकड़बगे द्वारा दो बकरियों को शिकार बनाया गया है। इस सप्ताह में इस प्रकार की यह तीसरी घटना है जो लकड़बगे द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। ज्ञात हो कि ग्राम टेमला में आज सुबह 4 बजे के दरमियान लकड़बगे ने दो बकरियों पर फिर हमला कर दिया है। घटना टेमला के इंदिरा फलिया स्थित कालू सिंह थोबड़ा के घर की है। उन्होंने बताया कि रात्रि में बकरियों को घर के बाड़े में बांध रखा था, वहीं सुबह देखने पर बकरियों का किसी जंगली जानवर ने शिकार किया हुआ था। घटना होने के बाद तुरंत ग्राम सरपंच द्वारा वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग के रेंजर मंगेश बुंदेला अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं जाँच करने पर पग मार्क को देख कर उन्होंने लकड़बगे का हमला होने की पुष्टि की है। वहीं पंचनामा बनाकर आगे की कार्रवाई भी शुरू की गई है। पिछले सप्ताह भी इसी प्रकार जंगली जानवर ने 4 बकरियों पर हमला कर उसे मार डाला था। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगली जानवर को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। जंगली जानवर द्वारा लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में डर का माहौल है। वहीं वन विभाग के रेंजर ने ग्रामीणों को सावधानी बरतने की अपील की। वन्य प्राणी लकड़बग्घे द्वारा दो बकरियों का शिकार किया गया है। पशु मालिक का नाम है कालू सिंह थोबड़ा। और सर, हफ्ते में ये दूसरी बार घटना हुई है सर, सेम गांव में। हाँ, उस एरिया में लकड़बग्घे का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और विगत 3-4 दिन पहले भी 3 बकरियों का शिकार किया गया था लकड़बग्घे द्वारा और उनका लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत प्रकरण बना लिया गया है और उनको जो भी नियमानुसार मुआवजा है वो उनके खाते में प्रदाय किया जाएगा। तो सर, जैसे गांव वालों में थोड़ा भय व्याप्त है सर इस घटना से, तो सर वन विभाग द्वारा क्या कोशिशें की जा रही है सर? इसके लिए हमारे द्वारा लगातार उसको रेस्क्यू करने के प्रयास किए जा रहे हैं और पूर्व में वन्य प्राणियों को तेंदुए को रेस्क्यू करके हमारे द्वारा अन्यत्र वन क्षेत्र में छोड़ा।